नमस्कार दोस्तों, एक इतिहास बना था 1979 में जब पहली बार राजधानी ट्रेन पटरियों पर दौड़ी थी। एक इतिहास बना 14 सितंबर दिन गुरुवार को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी सिंजे ने उद्घाटन किया बुलेट ट्रेन का। दोनों ही ट्रेनों में समानता यह है कि दोनों ही ट्रेनों को इलाइट होने का तमगा मिलता है जब वो पहली बार दौड़ती है। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी है बुलेट ट्रेन के बारे में, और इससे पहले आपको हम बात करें फैक्ट्स के बारे में, इससे पहले हमें जानना जरूरी है डिस्क्लेमर का। डिस्क्लेमर ये है कि दो वीडियो इसमें रहेंगे। पहला वीडियो वो होगा जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बुलेट ट्रेन के क्या फीचर है जो इंडिया में आ रही है। दूसरा फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जापान ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया इन बुलेट ट्रेन को मदद से, और बाकी देशों में अमेरिका हो चाहे अदर देश हो जहाँ पर बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल नहीं हुई, और जहाँ पर सक्सेसफुल हुई तो वहाँ क्यों सक्सेसफुल हुई उसके बारे में जानने करेंगे। वो वीडियो बाद में अपलोड होगा, पहले वीडियो ये आएगा। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रूफ है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहे इस वीडियो की बात कर लें, चाहे प्रीवियस वीडियो, चाहे आगे आने वाले वीडियो, सारे के डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस मिल जाएंगे वहाँ से। तो आइए जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में, फिर आगे बात करते हैं। पहली बुलेट ट्रेन जो दौड़ेगी वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 15 अगस्त 2022 को। ऐसा नहीं है ये कि प्रोजेक्ट आज का या कल का या पिछले साल का है। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी 2009 और 10 में जब बजट में 5 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बनाने की बात कही गई थी रेल बजट में। 2013 में भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और जापान के प्राइम मिनिस्टर थे एबी सिंजे, उनके बीच में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते में था क्या फिजिबिलिटी है बुलेट ट्रेन को भारत में लाने की, जो 2013 से शुरू होके 2015 में ख़त्म हुआ था। इस प्रोजेक्ट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 1.1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टोटल। इसका 81% यानी कि 88 लाख रुपए जापान एज ए लोन दे रहा है भारत को 0.1% इंटरेस्ट पे। 0.1% इंटरेस्ट देखने में तो कम लगता है, लेकिन हम जापान की अगर बात करें तो जापान में यही इंटरेस्ट चलता है। वहाँ पर 1% पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो आजकल 0.9% का आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर चल रहा है। बाकी का जो परसेंटेज है 20%, वो महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट आपस में शेयर करेंगे। इस ट्रेन में 10 से 16 कोच होंगे। स्टार्टिंग में 1,000 कोच होंगे जिनको बाद में बढ़ा के 16 कोच कर दिया जाएगा, और यात्री जो एक बार में ट्रेवल कर पाएंगे वो 750 से लेकर 1200 तक यात्री ट्रेवल कर पाएंगे। टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, जिसको सामान्य चलन के लिए 320 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जाएगा। 12 स्टेशनों से होकर यह ट्रेन गुजरेगी। मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलामुरा, सूरत, बहराइच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और आखिरी स्टेशन साबरमती। दो तरह की ट्रेनें चलेंगी। एक ट्रेन वो रहेंगी जो 4 स्टेशन पर रुकेगी, और दूसरी ट्रेन वो रहेगी जो 12 स्टेशनों पर रुकेगी। जो 4 स्टेशनों पर रुकेगी वो लेगी 2 घंटे 8 मिनट का समय, जो 12 स्टेशनों पर रुकेगी वो लेगी 2 घंटे 58 मिनट का सेकंड। टिकट की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 3,000 से 4,000 रुपये के बीच में। टोटल जो रास्ता है वो 508 किलोमीटर का है मुंबई से अहमदाबाद के बीच का, जिसमें 468 किलोमीटर का एलिवेटेड रास्ता रहेगा, बाकी 21 किलोमीटर का रास्ता समुद्र के अंदर से होके जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का आइकॉन है वहाँ पर आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, और घंटी को दबाना ना भूले, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला वीडियो बुलेट ट्रेन बाकी जापान में कैसे सक्सेसफुल रही और बाकी कंट्री में क्यों सक्सेसफुल नहीं रही, उसके लिए आप आई लिंक पर जा सकते हैं, वहाँ से ले लीजिए, या आप हमारे एल्बम में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।